हेलो फ्रेंड, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है न्यूली लॉन्च सनसिल्क कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा वॉल्यूम फॉर फुल एंड बाउंसी हेयर शैम्पू। अभी रिसेंट में ही सनसिल्क कंपनी ने अपना ये शैम्पू लॉन्च किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये शैम्पू आपके लिए है कि नहीं, इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ है बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल। और अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा सनसिल्क कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा वॉल्यूम फॉर फुल एंड बाउंसी हेयर शैम्पू। प्राइस 370 ml की बॉटल है, इसका प्राइस 185 rupees है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 3 years की है। 3 years तक आप इसको यूज कर सकते हैं। हर शैम्पू हर स्कैल्प पे सूट नहीं करते, हर हेयर पे सूट नहीं करते, इसलिए अगर आप चाहें तो इसका पहले पाउच परचेज करें या इसकी छोटी बॉटल परचेज करें। अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्प करे तो आप इसका बड़ा बॉटल परचेज कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती मनी वेस्ट हो कि अगर आपको सूट ना करे तो आपकी बड़ी सी बॉटल वेस्ट चली जाए। बात करें फ्रेंड्स तो इस बार सनसिल्क ने अपनी पैकेजिंग में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, चेंज की है पैकेजिंग। इस बार इनकी ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है, बैक पे प्रोडक्ट की डिटेल दी गई है, फ्रंट पे सनसिल्क का क्यूट सा लोगो है जो कि चेंज हुआ है, फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है, नोजल भी ठीक है। अगर इंग्रीडियंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये कोई हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे केमिकल मिक्स किए गए हैं। इसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट भी है बट इसमें पैराबेन नहीं मिक्स किया गया है, मतलब कि ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। करती हूँ कि प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है गाइस। वाटर इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फील अपलिफ्टिंग एंड रिफ्रेशिंग। एलोवेरा इज वेल नोन फॉर इट मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, मतलब सिल्की लुक देगा और साथ ही साथ वॉल्यूम देगा। कोकोनट वाटर जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है स्किन एंड हेयर के लिए, वो इसमें मिक्स किया गया है, साथ ही साथ इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा हेयर को हाइड्रेट एंड सिल्की लुक देने के लिए जाना जाता है। इसका मैं नहीं बताऊंगी, ये नॉर्मल शैम्पू की तरीके लगाया जा सकता है। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो कंपनी कहती है कि इसका कंडीशनर भी आप यूज करें। मैंने अभी इसका कंडीशनर परचेस नहीं किया क्योंकि मैं पहले शैम्पू ट्राई करना चाहती थी। अगर इसका शैम्पू पसंद आएगा तभी मैं कंडीशनर परचेस करूंगी, उस पर पैसे लगाऊंगी, वरना नहीं। कंसिस्टेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो जेल बेस्ड शैम्पू है एंड काफी रनी है, कैंडीज आती हैं बच्चों की, उस तरीके का ये शैम्पू स्मेल कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स ये तो थी प्रोडक्ट की डिटेल, अब मैं शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जो कि मुझे फील हुआ इसको यूज़ करने के बाद। गाइस इसको यूज़ करते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने इसको सिर्फ 2 बार यूज़ किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 50 बार इसको लगा चुकी हूँ, नहीं, बस मैंने 2 बार ट्राई किया है। पहला क्लेम जो ये कहता है कि ये हेयर को बाउंसी एंड वॉल्यूमाइज लुक देता है, तो गाइस फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद एज सच आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं मिलेगी, बट हाँ ये आपके हेयर से जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करेगा, जिसकी वजह से आपके हेयर थोड़े से हैवी लगेंगे, बाउंसी लगेंगे एंड फ्लफी लगेंगे। बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेक्ट मत करिए इस प्रोडक्ट से कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरे हेयर का टेक्सचर ही थोड़ा सा वेवी है, मतलब कि ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हेयर नहीं है, नेचुरली वेवी हेयर है मेरा। आप देख सकते हो कि हेयर तब भी थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है, मेरा हेयर काफ़ी ड्राई साइड है और एक बाउंसी लुक आया है। सेकेंड जो ये क्लेम करता है कि हेयर को मॉइस्चराइज करता है, मतलब मॉइस्चर देता है, तो यस गाइस ये बहुत ज़्यादा हेयर को ड्राई नहीं करता है, मतलब कि ज़्यादातर शैम्पू यूज़ करने में हेयर ड्राई लगने लगते हैं, बट एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर ड्राई नहीं लगे, वेवी है, थोड़े से ड्रायर साइड है, स्कैल्प ऑयली है, इस वजह से थोड़ा सा बाल, मतलब कि आपको लग रहा होगा कि नीचे साइड रफ है। ये तो थे इसके क्लेम, अब रही बात ये शैम्पू किस स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हर शैम्पू हर स्कैल्प में नहीं परफेक्ट रहता है। मेरे हिसाब से ये शैम्पू ज़्यादा उन लोगों पे सूट करेगा जिनकी ऑयली स्कैल्प है, जिनको पसीना बहुत आता है, ऑयली टेक्सचर है स्कैल्प का, उनको ज़्यादा परफेक्टली काम करेगा। बट अगर आपके ड्राई स्कैल्प है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय समर्स है एंड पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देगा क्योंकि ये अच्छे से लेदर क्रिएट करता है। रिकमेंड करने की बात करें फ्रेंड्स तो ये शैम्पू मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ऑयली स्कैल्प वालों को, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, जिनको ज़्यादा ऑयल आता है स्कैल्प में, वो ये शैम्पू कर सकते हैं। जिनके बाल चिपक जाते हैं, स्टिकी से हो जाते हैं, वो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई स्कैल्प वालों की बात करें गाइस तो
अगर आप यूज करना ही चाहते हैं इसको तो आप अच्छे से ऑयलिंग कर लें, देन इसको यूज करें। ये आपके स्कैल्प का ऑयल अच्छे से क्लियर कर देगा एंड साथ ही साथ आपके हेयर को हल्का सा बाउंसी लुक देगा। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू सनसिल्क कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा शैम्पू के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।